पूरी रात में मैं एक मिनट भी नहीं सोया हूँ। क्या गुड मॉर्निंग और क्या गुड इवनिंग, कैसे वीडियो शुरू करें समझ में। हम लोग कम से कम 5000 से अपनी राइड प्लान कर रहे हैं, सारा सामान रेडी है, हमारा सैडल बैग रेडी है, हमारा ये एक्स्ट्रा लैपटॉप बैग रेडी है, हमारा रेन गियर रेडी है, हमारा टैंक बैग रेडी है, पिलियन के लिए सीट नहीं बनवा के रेडी है। बट आज भी बारिश, अभी हम लोग बाहर चलते हैं तो दिखाते हैं मौसम का क्या है। आज रात को निकलने वाले हैं 12-1 बजे 2 बजे जो भी हो, बट पता नहीं निकल पाएंगे नहीं, क्योंकि निकलते टाइम अगर बारिश होती रहे तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग अच्छी होगी और थोड़ी देर भीग के चलने के बाद जो प्रॉब्लम होती है वो आप लोग भीगे होंगे बारिश में तो पता ही होगा आप लोगों को। बाकी ये रहा संजू भैया का हेलमेट, ये रहा मेरा हेलमेट, इसमें कुछ मंगाया गया होगा, इसमें लैपटॉप है, ये मेरा रेन गियर और ये संजू भैया का रेन गियर। ये संजू भैया ये है वो नहीं है, और ये सीट है और ये सैडल बैग्स एक ही तरह। बाकी बाइक पे लगेगा तो सुबह पता चलेगा। चलिए चलते हैं फ्यूल लेने बाइक में। होती है राइडर्स की लड़ाई, सुबह सुबह दिल जलाना पड़ता है और एक और चीज जलती नहीं बता सकता। मैंने उसके बाद रास्तों का मजा आता है। मैंने दिखा दिया क्या गुड मॉर्निंग दोस्तों, ट्रिप ए को जीरो करने का टाइम आ गया और ट्रिप बी को भी जीरो करने का टाइम आ गया। ये 4:19 गलत दिखा रहे हैं, अप्रॉक्स 4 हो रहे हैं, मैं मोबाइल में भी दिखाता हूँ, 3:54 हो रहे हैं और हम निकल रहे हैं। जहाँ भी निकल रहे हैं मैं रास्ते में बताता हूँ कहाँ निकल रहे हैं। और ये जय माता दी। और आज की हमारी जर्नी है 557 किलोमीटर्स की अप्रॉक्स। हम लोग जैसे ही पहुंचे यहाँ पे ये बंद हो गया यार। हम पता है हमें अप्रॉक्स 3 किलोमीटर लंबा जाना पड़ेगा। अभी हम लोग अपने शहर के एक पुल पे पहुंचे हैं और आई थिंक इंडिया में हर जगह ये, मतलब सरकार की तरफ से बहुत अच्छा कर दिया गया कि हर जगह पुल हो, कोई रास्ता हो, डिवाइडर हो, उसके खंभों पे या फिर किसी भी पुल्स पे ऐसे हमारे तिरंगे का, मतलब तिरंगे के कलर में ये जो लाइट्स लगाई गई हैं क्या लगती हैं। और अभी हम लोग 4.1 किलोमीटर कर चुके हैं। अभी देख रहे हो दोस्तों आप लोग कितने गुप्त अंधेरे में बाइक जा रही है, सामने कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। मेरी गाड़ी की लाइट जो जा रही है, दूर किसी घरों की लाइट्स दिख रही हैं। ये रास्ता बिल्कुल सुनसान है। अब एक घर आया तो अभी हम लोग गाइज ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के नीचे से गुजर रहे हैं। हम चाहें तो ये भी पकड़ के जा सकते हैं, अप्रॉक्स 200 या फिर 250 रुपीज़ हम लोग का टोल लगेगा और एक घंटे टाइम भी बचा रहा है। बट मैं इस एक्सप्रेसवे पे कई बार गया हूँ और इस पे जाने से मैं इसलिए खुद को रोक रहा हूँ, मेरा मन तो है जाने का लेकिन इसलिए खुद को रोक रहा हूँ कि इस हाईवे पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे चल के कोई, मतलब कुछ नहीं है। अभी ये हाईवे नया नया बना हुआ है और इस हाईवे पे प्रॉब्लम इतनी है कि इस हाईवे पे आपको जैसे मदद के नाम पे कुछ नहीं मिलेगी। और इस हाईवे पे अगर कोई चाहे, अरे छछुंदर बच गई, और इस हाईवे पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको कोई हेल्प जल्दी नहीं मिलेगी। इंटरसेप्टर्स हैं लेकिन यार 300 किलोमीटर से ऊपर का हाईवे है और गाड़ियां भी बहुत कम जाती हैं, रात को क्यों रिस्क लेना। मैंने सोचा ये रोड वाले मतलब जिस पे भीड़ है उससे चलते हैं, टोल भी बचेगा, एक घंटे टाइम ज़्यादा लगेंगे तो हमें कौन सा पहुंच के वहाँ पे ट्रेन पकड़नी है। हमारे पास तो अपनी सफ़ेद हाथी है, इसको लेके चलेंगे।
जब चाहे रोक दें, जब चाहे चल दें। अभी हम लोग अप्रॉक्स 50 किलोमीटर, 49.3 किलोमीटर आ गए। सुसु ब्रेक के लिए रुके थे और अभी भी हमको 500 किलोमीटर जाना है। पूरी रात में मैं एक मिनट भी नहीं सोया हूँ, पता नहीं क्यों। एक अजब, मतलब अजीब सी मुझे जल्दीबाजी थी राइड पे निकलने के लिए और मैं रात में सोया नहीं। मुझे फील हो रहा था कि शायद मैं सुबह जगूँ ना, और मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि ना जाऊँ, नेक्स्ट डे जाऊँ। लेकिन जैसे मैं बाइक पे बैठा ना, 10 किलोमीटर आया, फिर मज़ा आने लगा। यार यहाँ पे तो हमारे कुछ दिन, मतलब आने से पहले यहाँ बारिश हुई है और ठंड लग रही है यार। वाकई मुझे बहुत बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ठंड फील हो रही है, और ठंड फील होने की वजह से सुसु लग गई मुझे। और अभी हम लोगों ने 109 किलोमीटर कर लिए, पता नहीं कब लखनऊ पार करेंगे और कब बरेली पहुँचेंगे। आज हमें बरेली पहुँचना है। 128 किलोमीटर पर हम लोग रुके चाय पीने के लिए। अभी संजीव भैया का कैमरा मैंने तोड़ दिया था, गिर गया था। संजीव भैया ने ऐसी आवाज दी थोड़ा सा, यहाँ पे जाते जाते बचा है, बस बच गया। अब से मैं नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पहुँचने के बाद इसको देखेंगे, यहाँ छेड़ेंगे नहीं। और अभी हम लोग थोड़ा सा भी स्क्रैच हुआ होगा। अभी हम लोग चाय के लिए रुकेंगे। तो हम लोगों ने सब कुछ कर लिया, चाय पी लिया और रेन गियर पहन लिया। अभी मौसम ऐसा है कि उतनी गर्मी नहीं हो रही है, तो मेरे पास जो रेन कवर है वो तो मुझे उबाल देता, बॉयल कर देता इसमें। और अभी मेरा गोप्रो भी हैंग हो गया था, तो उसकी बैटरी वगैरह निकालनी पड़ी। और अभी हम लोगों ने पूरा कर लिया 128 किलोमीटर, तो चलते हैं। फर्स्ट डे में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था। और हम लोगों ने बड़ी वाली राइड अपनी इसलिए कैंसिल कर दी। क्या हुआ? हम लोगों ने बड़ी वाली राइड अपनी इसलिए कैंसिल कर दी क्योंकि इसी नेक्स्ट मंथ 7 तारीख को संजीव भैया की एग्ज़ाम है। बहुत मन कर रहा है इस टाइम सावन में हरिद्वार और ऋषिकेश घूमने का। मैं जा चुका हूँ पहले, मेरी एक वीडियो है वहाँ की, आप देख सकते हैं। लो जी, फाइनली हम लोग अप्रॉक्स लखनऊ शहर को, मतलब मेन भीड़ वाला हिस्सा पार कर चुके हैं हम लोग। ये लोग कितना मेहनत कर रही हैं यार, इतनी धूप में खींच रही हैं। ये भाई इधर, ये अपना बैग खींच के पसीना पसीना पोंछ रहा है। हम लोग का भी पसीना नहीं हो रहा है, बट इतना पता है कि ह्यूमिड बहुत ज़्यादा है एयर में। और अगर इस समय अगर मेरी बाइक रुकी ना, तो ये पूरे पैर वगैरह जला देगी। ह्यूमिडिटी नहीं होती तो ये पैर नहीं जलाती है, लेकिन अगर ह्यूमिडिटी होती है तो ये बहुत ज़्यादा हीट फेंकती है। मिलते हैं अब इस शहर के बाहर कहीं रुक के कुछ खाते पीते। अभी हम लोग सुबह से, बताते हैं कितने किलोमीटर हो गए, 392 किलोमीटर, 392 किलोमीटर चल दिए हैं घर से। सुबह 3:30 बजे चले थे 3:30 पे, और अभी हो रहे हैं 12:30। तो हम लोग लगभग इधर उधर फंस गए थे, लेकिन फिर भी अच्छी दूरी तय किए हैं। और अभी बारिश में, पूरा आप रोड देख सकते हैं, पूरी गीली है, चारों तरफ बादल है। बारिश की वजह से हमने गोप्रो वगैरह सब अंदर कर दिया। और 80 किलोमीटर दूर एक शहर है हरदोई, हम सोच रहे हैं वहाँ रुक जाएं, अगर जो बारिश ऐसे रही और मौसम ख़राब रहा तो। नहीं तो अगर सही रहा तो फिर भी हम लोग बरेली जाएंगे। बरेली यहाँ से 200 समथिंग है, और जैसा होगा अब लोग, हम लोग अब मोटो ब्लॉगिंग तो कर नहीं पा रहे हैं, सब कुछ पैक हो गया, सारे बैग वगैरह, मेरा ट्रैंक बैग, ये बैग, लैपटॉप बैग, मेरा कैमरा, जहाँ मौका मिलेगा इस मोबाइल से वीडियो बनाएंगे और बताएंगे। और जैसा होगा, अगर दिक्कत हुई तो हम सीधे होटल में चलेंगे। मिलते हैं आपसे फिर। फाइनली हम लोग 523 किलोमीटर डन कर चुके हैं, बरेली पहुंचने वाले हैं। बरेली में अभी भी मुझे लग रहा है कि 80 किलोमीटर तो है ही। ये लोग क्या कर रहे हैं यार। और अब हम लोग अपना रिलिया, मतलब अपना फोर लेन छोड़ के नीचे आए थे पेट्रोल के चक्कर, पेट्रोल पंप के चक्कर में, क्योंकि हमारा पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और हमारी फ्यूल की लाइट भी जल गई है, अगर पेट्रोल नहीं मिला ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी।
फाइनली हमें पेट्रोल पंप मिला, देखो पेट्रोल मिलता है या नहीं। लोग तो हैं खड़े ले रहे हैं बर, फुल भरो अभी भरो, अभी बहुत खींचेगी। ₹1400 पे रुक दो, देखो तो हो जाएगा। 590 किलोमीटर के बाद अप्रॉक्स बरेली का कोई टोल दिखा, मैं आया हूँ इस टोल पे, ये बन रहा है कई सालों से यार। इधर होटल खोजने के चक्कर में हम लोग उसके इलाके में आ गए हैं, क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स के। इधर हॉस्पिटल्स ज़्यादा हैं होटल से। और जो अभी हम लोग अपने होटल पे आ गए हैं, ढूंढते ढूंढते हमारी नानी याद आ गई। सॉरी ये काट दूंगा मैं, मेरे नाना नानी जिंदा अभी सुनने में तो मुझे जूते पड़े। जिंदा नाना नानी याद नहीं आता है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग अपना ये होटल लिए, इसको ढूंढते ढूंढते बहुत प्रॉब्लम हुई। हमारी बाइक यहाँ पार्क है, अभी खाना लेने गए थे, खाना खाते हैं और मेरे कुछ दोस्त हैं उसको उनको पर्सनली ये वीडियो भेजूँगा खाते समय का, लालच करेंगे। यहाँ पे मेरी बाइक पार्क है, खुला जाएगा।